रेस्टोरेंट जैसी पनीर की सब्जी जब घर पे मिले तो कोई रेस्टोरेंट क्यों जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला। इसे बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट अमेजिंग आता है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 से 3 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। अगर आप घर पे जमाया हुआ दही यूज़ करें तो 2 ही चम्मच यूज़ करें। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे बेसन डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/3 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे ये तंदूरी मसाला पाउडर। इसकी जगह आप किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल डाल दें। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे। हमें पनीर को पहले कोट कर लेना है, तब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक यहाँ पे ज़रा सा यूज़ करें, क्योंकि हमें करी में भी नमक यूज़ करना है। तो नमक ज़रा सा डाल के और इसे अच्छे से फेंट के हम इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। पानी इसमें ना यूज़ करें। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे पनीर के बड़े टुकड़े किए हैं, आप चाहे तो छोटे टुकड़े यूज़ करें। पनीर मैंने यहाँ पे 250 ग्राम यूज़ किया है। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च, तो मैंने यहाँ पे लाल, हरा और ये प्याज लिया है और पीला शिमला मिर्च लिया है। सबके क्यूब्स काटे हैं, जैसे पनीर है वैसे ही मैंने इसे कट किया है और इसके बाद इसे पनीर के साथ हम मैरिनेट कर लेंगे। अगर आपके पास लाल और पीला शिमला मिर्च नहीं है तो आप सिर्फ हरा वाला शिमला मिर्च और प्याज यूज़ करें। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिला दें। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक के फ्रिज में रख देंगे। 20 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला और इसे हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे पनीर जो है वो अच्छे से कोट हो चुका है दही और मसालों से। तो अब हम चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। तो गैस ऑन करके एक तवे पे तेल गरम करेंगे, तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दें और उसके बाद जैसे हम पनीर टिक्का बनाते हैं वैसे ये मैरिनेट किया हुआ जो पनीर है वो तवे के ऊपर रख देंगे। तो इसे ऐसे स्प्रेड करके रखें ताकि सारे पनीर जो है वो इक्वली पके। तो यहाँ पे पनीर और शिमला मिर्च, प्याज जो भी है सब मैंने इस पे डाल दिया और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे पलटते रहें ताकि ये जले नहीं। आप चाहें तो पनीर टिक्का को स्क्यूअर में लगा के और उसके बाद ओवन में भी पका सकते हैं। तो ये हमारा पनीर जो है वो दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ब्राउन लेयर दिख रही है, पनीर जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी दिख रहा है। तो पनीर टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। तो इसे गैस से हटा के अलग रख दें और गैस पे दूसरा पैन गरम करें। पैन में हम वापस तेल डालेंगे और तेल के गरम होते ही जैसे जीरा डालते हैं जीरा डाल देंगे। जीरा को थोड़ा सा पका लें, उसके बाद 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे। प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे या फिर तब तक भूनें जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और ये हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद मिला दें इसे। अदरक और लहसुन को हम 1/2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे प्याज के साथ। इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें, ये तीखा कम होता है। 1/2 छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला हम बाद में यूज़ करेंगे। मसालों को लो फ्लेम पे 1/2 मिनट के लिए पका लें। मसालों को जब आप तेल में डालेंगे तो सब्जी का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा आएगा। बस ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम लो रहे। इसके बाद हम इसमें 1/3 कप टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अगर आपके पास टमाटर की प्यूरी नहीं है तो 2 छोटे टमाटर को बारीक काट के डालें या फिर टमाटर को घिस के डालें। तो मिला दें इसे अच्छे से। प्यूरी से सब्जी का कलर अच्छा आता है, इसलिए मैंने यही यूज़ किया है। अब हम टमाटर की प्यूरी को मसालों के साथ पका लेंगे। तो पैन को कवर कर दें और 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दें जब तक कि मसालों के किनारे से तेल ना दिखने लगे। तो ये हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं तेल किनारों से दिख रहा है। मसालों को आप जितना ज़्यादा भूनेंगे सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी, बस मसाला जलना नहीं चाहिए। तब हम इसमें 1/4 कप यानी 1.25 कप के करीब पानी डाल देंगे और उसके बाद नमक डाल दें। ध्यान रहे नमक हमने पनीर में भी डाला है तो नमक हिसाब से डालें। इसके बाद इसे मिला देंगे और 1 उबाल आने का वेट करेंगे। तो पैन को कवर कर दें और पहला उबाल आने का इंतज़ार करें। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, ये देखिए, तो करी हमारी बन गई है। अब हम इसमें पनीर टिक्का जो हमने बना के रखा है वो डाल देंगे। ये देखिए, सारे पनीर को ऐसे ग्रेवी में डाल दें। ग्रेवी का कलर तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब सब्जी बनने के बाद कैसी दिखती है वो तो एंड में पता चलेगा। तो ये पनीर डाल दिया मैंने, मिला दें इसे अच्छे से। अब इस सब्जी में हमारा काम खत्म हो चुका है, बस पैन को कवर करेंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे।
तो यहाँ पे पैन को कवर कर दे और 10 मिनट तक आराम से पकने दे इसे। 10 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया और ये हमारी मज़ेदार पनीर टिक्का मसाला जो है वो रेडी हो चुकी है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, एकदम मखमली स्मूथ, बहुत ही कलरफुल, एकदम रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है। तो लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो थोड़ा सा ऐसे रब करके स्प्रिंकल कर दें। कसूरी मेथी नहीं है तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। इस सब्जी में आप क्रीम का यूज़ ना करें। अब हम पैन को कवर कर देंगे और गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे। सब्जी को 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो पहले से ज़्यादा थिक हो गया है और ये हमारी मज़ेदार पनीर टिक्का मसाला रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी प्लेटिंग करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए आप इसे किसी भी बर्तन में निकालें और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी का कलर, जो ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो लास्ट में इसके ऊपर धनिया पत्ता से गार्निश करके और आप इस सब्जी को गर्मा गर्म रोटी, पूरी, पराठा, नान, कुलचा किसी के साथ भी सर्व करें, ये सबके साथ अच्छा लगता है। तो आप इस पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।